हाय दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, आज हम लोग बात करेंगे जो इवेंट चल रहा है उसके बारे में एंड उसके अकॉर्डिंग कौन से स्ट्रेटजीज हम लोग यूज़ करेंगे। मेरे को पता है गाइस, मैं वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ क्योंकि लास्ट दो दिन से यहाँ पे फेस्टिव सीजन चल रहा है और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक हमारे सोसाइटी में बज रहा था, तो इम्पॉसिबल था कोई वीडियो रिकॉर्ड करना, इतना हैवी और लाउड म्यूजिक यहाँ पे बज रहा था। तो फाइनली मेरे को थोड़ा मौका मिल गया क्योंकि यहाँ पे सब कुछ शांत हो चुका है। अब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके वीडियोज लाने के लिए आप लोगों के लिए। और गाइस, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इवेंट के बारे में अलग अलग स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गाइस, जो इवेंट अभी चल रहा है फिलहाल, ठीक है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस तीन ही अटैक्स करने हैं, थीलर्स और पेका के साथ भी तीन ही अटैक्स करने हैं, बट छह दिन है ये जो इवेंट है गाइस, वो छह दिन का है, मतलब अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास इस मौके का फायदा उठाने का, जो है कि पेका एंड हीलर जो है चीप हो चुके हैं। अब हीलर्स तो सभी यूज़ करते हैं, क्वीन वॉक वगैरह, बट पेका बहुत लोग कम यूज़ करते हैं। सो इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी है पेका को मेरे वीडियो में। तो चलिए गाइज, अलग अलग टाउन हॉल्स में अटैक्स देखते हैं और देखते हैं कि पेका को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इस कुछ दिन में ये पाँच छः दिन जो अभी बचे हैं इवेंट के, वहाँ पे कैसे हम लोग अच्छे से तगड़ा फार्मिंग करेंगे विथ यूजिंग पेका अलग अलग टाउन हॉल्स में। तो गाइज, अगर आपको वीडियो कोई भी एंगल से अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना व्हाट्सअप में वगैरह वगैरह कहीं भी प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि उनको पास भी पहुंचना चाहिए। और चलिए अब स्ट्रेट टू द वीडियो, टाउन हॉल 8 से शुरू करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सो गाइज, ये रहा टाउन हॉल 8 का अटैक। आप बेस देख सकते हैं, डिसेंट बेस, सारे डिफेंस मैक्स आउट है, हीरो भी जो है वो भी 10 लेवल का है, वॉस थोड़े से लो है बट बाकी सब कुछ अच्छा है। और ये जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूँ गाइज, कमाल का वैल्यू मिलता है स्ट्रेटजी से, आप वॉर में भी, इवन वॉर में भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने वॉर में भी बहुत बार यूज किया है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 7 पेका, 6 विजर्ड, सीसी में मेरे पास बोलर्स है। अगर आपके पास बोलर्स अवेलेबल नहीं है तो वेलक्रीज, विजर्ड्स या फिर पेका से रिप्लेस कर सकते हैं बोलर्स को, काफी अच्छा वैल्यू आपको मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ पहले आपको करना क्या है गाइज। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल, आपको दोनों कॉर्नर से एक एक पेका ड्रॉप करना है, अगर जरूरत पड़े तो डबल भी ड्रॉप कर सकते हैं, उसी के साथ दो दो करके विजर्ड्स ड्रॉप करना है ताकि फनल क्रिएट हो जाए और जो पेका है वो अच्छे से टैंक करे फॉर विजर्ड्स। उसके बाद क्या करना है, अपने जो बाकी के पेका हैं, किंग हैं, उसको सारे के सारे सेंटर में ड्रॉप कीजिएगा। वॉल ब्रेकर्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेका इतना पावरफुल है कि वो एक स्प्लैश में, जितने कि आप देख सकते हैं इतने सारे पेका एक ही स्प्लैश में पूरा जो वॉल है वो ब्रेक कर सकते हैं। ये शायद लेवल 7 के वॉल्स हैं, बट लेवल 8 के अगर वॉल्स होते फिर भी एक ही स्प्लैश में इतने सारे पेका एक साथ उसे तोड़ सकते हैं, तो आपको वॉल ब्रेकर्स की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब बोलर्स आ रहे हैं पीछे से और पेका जो है वो एक ही शॉट में सारे डिफेंस को टेक डाउन कर रहे हैं, जो दिखने में अमेजिंग लगता है। स्पेल्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल रेज और सिंगल हील, पहले आपको रेज करके अंदर डालना है, उसके बीच में अगर कहीं जायंट बम वगैरह में अगर आपके बोलर्स या फिर अगर आपके विजर्ड्स या फिर कोई भी ऐसे ट्रूप्स अगर जायंट बम के आसपास आते हैं तो आप हील कर सकते हैं। वैसे विजर्ड्स तो बचेंगे नहीं, बट फिर भी बोलर्स वगैरह है तो बच जाएंगे, वैलक्रीज वगैरह है तो बच जाएंगे। और उसके बाद रेज हमेशा ऐसे जगह में कीजिएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, और हील वहीं पे कीजिएगा जहाँ पे आप स्प्लैश डैमेज मिलेगा। ये सारी चीज़ तो बेसिक्स हैं, आपको पता ही होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो इनसेन है, बहुत सारे पेका बचे हैं लिटरली। एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ, 4 पेका, 1 पेका भी डाउन हुआ है, अभी भी 3 पेका बचे हुए हैं और ये बेस जो है वो ऑलमोस्ट 3 स्टार हो चुका है। तो गाइज, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। इवन वॉर, जैसे कि मैंने बताया, मैंने काफी बार वॉर में भी यूज करा है और बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है। सीसी से कुछ निकलता है, डबल पॉइजन आपके पास रेडी है, डबल पॉइजन यूज करके आप आराम से किसी भी सीसी को टेक केयर कर सकते हैं। सो ये गाइस टाउन हॉल 8 के लिए आप यूज करें। अगर आपका कंप्लीट भी हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। चीप पेका, जो आपका ट्रेनिंग कॉस्ट है पेका की, वो काफी चीप है, आराम से आप फार्मिंग कर सकते हैं पेका को लेकर, या फिर अगर अलग अलग डिफरेंस चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो ज़रूर करके देखिएगा। और मेरे को कमेंट्स में बताइएगा गाइज कि आपको कैसा लग रहा है ये पेका का जो इवेंट है और ये जो स्ट्रेटजीज है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, ज़रूर एक बार मेरे को कमेंट्स में बताना। तो चलिए गाइज, ये तो टाउन हॉल 8 का था, अब चलिए आपको फटाफट चलता हूँ लेकर टाउन हॉल 9 में और देखते हैं वहाँ पर कौन सा स्ट्रेटजी जो सबसे बेस्ट आपको वैल्यू दिलाएगा। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं टाउन हॉल 9 में और आप देख सकते हैं ये बेस जो एक डिसेंट टाउन हॉल 9 बेस है। और जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइज, वहाँ पे फिर से 7 पेका, 6 विजर्ड्स, 2 बेबी ड्रैगन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि फनल क्रिएट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। एंड उसी के साथ सीसी में मेरे पास बोलर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वाले अटैक में, आप बोलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं वेलक्रीज, पेका या फिर विजर्ड्स के साथ। और यहाँ पे 2 हील और 2 रेज यूज़ कर रहा हूँ। सीसी का टेक केयर करने के लिए डबल पॉइजन है मेरे पास, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कैसे आपको पहले इनिशियली कैसा काम करना है। एक एक पेका आपको साइड में ड्रॉप करना है और कपल ऑफ विजर्ड, जैसे कि मैंने टाउन हॉल 8 वाले अटैक में दिखाया था। अब बेबी ड्रैगन
आप तभी यूज कीजिए जब एयर डिफेंस से दूर रहे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एयर डिफेंस है और ये वाला जो एयर डिफेंस है, ये दोनों टारगेट ले लेता है, इसलिए मैंने बेबी ड्रैगन को थोड़ा होल्ड कर लिया था ताकि मैं बाद में उसे अच्छे से यूज कर पाऊँ। और बाकी जितने भी सारे यहाँ पे पेका वगैरह थे सारे को सारे मैंने सेंटर में ड्रॉप कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात हो गई। और गाइस यहाँ पे सीसी से विजर्ड्स निकले थे, बट जैसे कि मैंने बताया था कि डबल पॉइजन अगर आपके पास रहता है तो आप किसी भी सीसी का टेक केयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो वैसे मैंने किया, यहाँ पे डबल पॉइजन का डाल के सारे सीसी का टेक केयर कर लिया और उसके बाद मैंने रेज किया। सो सारे चीज़ें जो है बहुत सही तरीके से फनल हो चुके थे कोर में। आप देख सकते हैं सारे पेका सारे बोलर्स कितने अच्छे से कोर में फनल हुए। और उसके बाद यहाँ पे और एक रेज, क्योंकि आपको पता है गाइस कि बॉलर को अगर रेज में रखेंगे तो उनका जो स्किप डैमेज है वो इनसेन होता है, जो उसको वैल्यू आपको दिलाएगा गाइस वैसा वैल्यू आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया बॉलर्स ने, बहुत अच्छा काम किया पेका ने और ये बेस जो है वो क्रश कर दिया। सो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ करता हूँ, जब भी पेका का मतलब यूज़ करने का मौका मिलता है ये स्ट्रेटजी यूज़ करना मैं बिल्कुल नहीं भूलता। आप देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा झुंड यहाँ पे पेका का बचा हुआ है, एक पेका दो, पता नहीं अभी तो काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 3-4 पेका तो आराम से बचा होगा। बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं बट फिर भी जो बेस का हाल है वो इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक, तो टोटल अभी भी 5 पेका बचे हुए हैं। सो गाइस बहुत बड़ी बात है, 7 पेका मैं लेके आया था उसके साथ, अभी भी 5 पेका अगर बच जाता है तो आप सोच सकते हैं कितना डोमिनेंट स्ट्रेटजी है और कितना जल्दी ये अटैक जो है वो भी 3-स्टार हो गया। तो गाइस काफ़ी वैल्यू फॉर मनी स्ट्रेटजी मेरे को लगती है जब ये पेका बहुत चीप है। वैसे यूजुअली तो पेका बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट ऐसे इवेंट्स में आपको मौका मिल जाता है इन सारी चीज़ों को ट्राई आउट करने का और अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करने का, तो बिल्कुल यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अब चलिए मैं ले चलता हूँ टाउन हॉल 10 वाली स्ट्रेटजी में कि टाउन हॉल 10 में आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कैसे करनी है। सो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं टाउन हॉल 10 में और ये एक टाउन हॉल 10 का डिसेंट सा बेस है और जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइज वो 6 पेका 2 बेबी ड्रैगन, मैं अपना बोलर लेके आया हूँ और उसी के साथ मैं कुछ बलून्स लेके आया हूँ, विजर्ड्स तो रहेंगे उसके साथ मेरे पास अपने हीरोज़ हैं। और उसी के साथ मैं स्पेल्स यूज़ कर रहा हूँ, वो है 2 हील 3 रेज, कोई वॉल ब्रेकर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वॉल ब्रेकर है, अगर आपके पास वॉल ब्रेकर नहीं है तो आप वॉल ब्रेकर्स के साथ जा सकते हैं। और जंप भी नहीं है क्योंकि पेका जो है वो बहुत ही पावरफुल है, 1-2 शॉट में आराम से कोई भी लेवल के वॉल को पार कर सकता है। तो गाइस चलिए फटाफट देखते हैं कि कैसी स्ट्रेटजी रहेगी। आपको देख के लग ही गया होगा कि बेबी ड्रैगन से आपको इनिशियल फनल क्रिएट करना है या फिर आप पेका के साथ भी फनल क्रिएट कर सकते हैं, एक एक पेका यूज करके आप थोड़ा फनल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेका ड्रॉप किया, उसी के साथ मैं यहाँ पे पीछे से विजर्ड्स का बैकअप दे रहा हूँ और थोड़ा सा फनल क्रिएट हो जाएगा। और एयर डिफेंस अगर आसपास है तो बेबी ड्रैगन को थोड़ा होल्ड कीजिए, वरना आप बेबी ड्रैगन को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बाकी सारे पेका को ड्रॉप कर दिया सेंटर में और वॉल रेकर को भी ड्रॉप कर दिया, उसके पीछे से मेरे बॉलर्स और हीरोज आ रहे हैं। सो काफी अच्छा सीन चल रहा है गाइज अभी तक तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, और साइड से मेरा जो पेका है वो भी काफ़ी अच्छा टैंक कर रहा है और सारे के सारे चीज़ें बहुत सही से फनल हो गए हैं गाइज। तो बॉलर्स अंदर जा रहे हैं, पेका अंदर जा चुके हैं और जो माहौल बन रहा है इस अटैक का वो काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे कोर में गए हैं जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा होता है कभी कभी बॉलर्स जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ चले जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं वहाँ पे, बट फिर भी इस वाले अटैक में ऐसा कोई सीन नहीं था। अभी भी मेरे पास एक रेज और एक हील पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं गाइज बेस कितना जल्दी वैनिश हो रहा है, सारे डिफेंसेस कितना जल्दी टेक डाउन हो रहे हैं यहाँ पे, और स्ट्रेटजी जो है इनसेन है इसके। मैंने जैसे बताया था आपको, आप वॉर में भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया भी था बहुत टाइम पहले कि वॉर में कैसे आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, और काफ़ी इंप्रेसिव स्ट्रेटजी है। बट एक चीज़ आपको, दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1, इन्फर्नोज मल्टी में सेट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर पे का वो कितना जल्दी टेक डाउन करते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट कि जो इन्फर्नो है वो सिंगल टारगेट नहीं होने चाहिए, मल्टी टारगेट होने चाहिए। एंड सेकेंडली, और ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बेस है वो रिंग टाइप बेस होना चाहिए, वो एक कंपार्टमेंट बेस होना चाहिए, रिंग टाइप बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपार्टमेंट बेस में पिका जो है एक के बाद एक कंपार्टमेंट में मूव करता रहेगा, बट रिंग बेस होगा तो बार बार राउंड द राउंड घूम घूम के पिकाज मर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान पर रखनी चाहिए। अब चलिए फटाफट चलते हैं टाउन हॉल 11 में और देखते हैं वहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी पिका के साथ अटैक्स करने के लिए। सो गाइज वेलकम बैक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज जो लूट मिला था वो पहले बता देता हूँ, इनसेन लूट था, ऑलमोस्ट 800,000 के आसपास गोल्ड था, ऑलमोस्ट 1,000,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे गाइज देख सकते हैं यहाँ पे एलिक्सिर था, और 7,600 के आसपास यहाँ पे डार्क एलिक्सिर था। तो भाई क्या मज़ा आ गया इस अटैक करने में। अब गाइज जो स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूँगा, 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ कर रहा हूँ, साइड से फनल करेंगे, इलेक्ट्रो ड्रैगन काफ़ी सही फनल क्रिएट करते हैं। 6 पेका 5 विजर्ड्स, अपने 5 बोलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, सीज मशीन है मेरे पास, सीज मशीन के
अंदर मैं पेका यूज कर रहा हूँ, उसके साथ मेरे हीरोज हैं, स्पेल्स में मैं यूज कर रहा हूँ तीन रेज और तीन हील, जो कि कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आपको क्या करना है इनिशियली। जैसे कि आपको पता होगा फनल क्रिएट करना, इसका ईगल आर्टिलरी भी बाहर था, पता नहीं कंस्ट्रक्शन में था शायद, सो ये बहुत अच्छी बात हो गई मेरे लिए। और ईगल आर्टिलरी को मैंने टेक डाउन कर लिया विद कपल ऑफ विजर्ड्स, एंड उसके बाद आपको पता है कि एक पेका से आपको बैकअप देना है। सो यहाँ पे काफी अच्छा चला सीन। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था गाइज, आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन्स जो है आपके पास अवेलेबल है टाउन हॉल 11 से, तो वहां पे उसको यूज करके आप फनल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, मेरे को काफी मजा भी आ रहा है। जैसे एयर डिफेंस में देखता हूं दूर है, वैसे मैं एक एक इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है वो कॉर्नर्स में यूज कर लेता हूं, और काफी अच्छा वैल्यू मिलता है इलेक्ट्रो ड्रैगन का। क्योंकि अब देखिए चेन डैमेज जो है वो तो कमाल का है ही, आपको पता है, और क्योंकि एयर डिफेंस से दूर रहता है तो बहुत देर तक बहुत अच्छा काम करता है, और जो हिट पॉइंट है वो भी डिसेंट सा है, तो इतना जल्दी मरता भी नहीं हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन। और जो काम कर रहा है गाइज, आप देख सकते हैं मैं ज्यादा फोकस इलेक्ट्रो ड्रैगन के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि बस दो इलेक्ट्रो ड्रैगन मैंने ड्रॉप करे थे और कितना ज्यादा वैल्यू मिल रहा है उनका मुझे। सो काफी अच्छी बात है गाइज, इलेक्ट्रो ड्रैगन तो मस्ट यूज करना तो बिल्कुल बनता है गाइज। सो यहां पे आप देख रहे हैं मेरे जो बाकी के ट्रूप से सारे कोर में फनल हो चुके हैं, और काफी डेंजरस बहुत ही ज्यादा डेंजरस काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी भी मेरे पास बहुत सारे स्पेल्स पड़े हुए हैं, मैंने एक और रेज यूज कर लिया यहाँ पे, और उसी के साथ मेरे पास अभी भी दो दो हील स्पेल पड़े हुए हैं। और इलेक्ट्रो ड्रैगन जो काम कर रहे हैं गाइज, सबसे आप देखते रहिए गाइज, इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई कमाल है। तो एक इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरा यहाँ पे मर चुका है, बट अभी भी एक इलेक्ट्रो ड्रैगन बचा हुआ है, और दोनों साइड का कुछ नहीं रखा इलेक्ट्रो ड्रैगन ने, मतलब मेरे पेका और बुलेट्स को जाने की जरूरत नहीं पड़ी उस साइड को, और मतलब चीर के रख दिया इस बेस को गाइज। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी है, आप जरूर यूज कर सकते हैं। अब पेका चीप चल रहे हैं तो अभी आपको यूज करने में बहुत अच्छा वैल्यू मिलेगा, तो बहुत अच्छा टाइम है गाइज, इस ये टाइम है जो आप यूटिलाइज करेंगे पेका को, फटाफट अटैक्स करें पेका के साथ और मजे उठाएं। सो अब ज्यादा कुछ तो बचा है नहीं, यहाँ पे एक कॉर्नर में एक बम टावर पड़ा हुआ है, और दो चार ये ट्रैश बिल्डिंग यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्वीन का एक शॉट पड़ेगा और बम टावर जो है वैनिश हो जाएगा, ये मेरे को पता था, और उसी के साथ ये जो फाइनल लैब पड़ा था ये भी गया, और ये जो बेस है वो 3 स्टार हो गया। तो गाइज काफी अच्छी स्ट्रेटजी जैसे मैं बताया हूँ, और आप जरूर यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब फाइनल अटैक जो है टाउन हॉल 12 का, और वहां पर चलते हैं। आप देखिए टाउन हॉल 12 में बहुत ही स्ट्रगल है गाइज, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है, और जितना हो सके वार्डन भी अपग्रेड में था। चलिए अटैक दिखाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइज ये रहा टाउन हॉल 12 का एक्शन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा नेगेटिव बात ये था कि ग्रैंड वार्डन जो है वो अपग्रेड में था, बट फिर भी गाइज हमने काफी अच्छा काम किया यहाँ पे। अब देख सकते हैं जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने 5 पेका मैं क्वीन वॉक के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास इतनी स्ट्रांग क्वीन है तो हमेशा क्वीन की अच्छी से यूटिलाइज कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वीन वॉक करने वाला हूँ। उसी के साथ 5 पेका लिटरली 5 पेका 6 बॉलर्स मैं अपने यूज कर रहा हूँ। सीसी में मेरे पास एक और पेका और दो तीन जायंट्स जितने भी आते हैं वो है। स्पेल्स में मैं यूज कर रहा हूँ गाइज 2 हील 2 रेज, सीसी में 1 रेज है, और 2 फ्री स्पेल्स। फ्री स्पेल्स आपको इसीलिए यूज करना चाहिए, एक तो ईगल आर्टिलरी का जो स्प्लैश डैमेज है उसे आप रोक सकते हैं, पेका को बहुत ज्यादा हेवी डैमेज करता है। सेकेंडरी जो एक बात और होती है कि अगर इन्फर्नो सिंगल टारगेटिंग में सेट है तो क्वीन वॉक में प्रॉब्लम्स आती है, तो वहां पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसा गया था ये अटैक और कैसे हमने क्या किया इस बेस में। सो लूट भी जो था वो भी डिसेंट सा लूट था। तो यहाँ पे मैंने क्वीन वॉक से स्टार्ट करा एज यूजुअल, और बम टावर जाने के बाद मैंने यहाँ पे वॉल को ओपन किया और क्वीन मेरी अंदर जा रही थी। रेज का यूज करना ही पड़ा क्योंकि क्वीन की हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा सफर हो रही थी। यहाँ पे वार्डन को बहुत ज्यादा मैं मिस कर रहा था, बट फिर भी गाइज अब देखिए वार्डन वगैरह अपग्रेड करेंगे तो विदाउट वार्डन तो आपको अटैक्स वगैरह करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने फिर से एक और रेज यूज कर लिया, और उसी के साथ मैंने क्वीन की एबिलिटी भी यूज कर ली, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। टाउन हॉल निकल गया और अच्छी बात हो गई मेरे साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीज को ड्रॉप किया, और पता नहीं अटैक में डबल स्पीड में क्यों दिखा रहा हूँ, बट चलिए अब मैं स्लो कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे क्वीन ने बहुत अच्छा काम किया गाइस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को टेक डाउन किया और अभी भी लगी हुई है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो एयर डिफेंस था वो लॉक हो गया है हीलर्स के ऊपर, इसके वजह से मेरे बहुत सारे हीलर्स यहाँ पे जो है वो मैं लॉस कर चुका हूँ। और ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पे सीसी से जायंट्स निकले थे जिसको मैंने पॉइजन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेज करके अपने बोलर्स को जल्दी से जल्दी अंदर डालने की कोशिश करी। और पेका जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, और यहाँ पे फर्स्ट फ्रीज यूज़ किया मैंने ताकि ये जो ईगल आर्टिलरी का स्प्लैश डैमेज है उसे थोड़ा सा कॉम्बैट कर सके। यहाँ पे एक और हील जो मैंने यूज़ किया, और क्योंकि बहुत सारी हील्स मैं ऑलरेडी रेज यूज़ कर चुका था मैं क्वीन के ऊपर, तो यहाँ पे ज़्यादा रेज मेरे को अवेलेबल नहीं थे। अगर रेज अवेलेबल होते तो अच्छी बात होती, क्योंकि पेका और बोलर्स का जो ये कॉम्बो था अगर ये अंडर रेज रहता तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता, बट फिर भी ठीक है गाइज अगर आपको क्वीन को सेव करना है तो रेज तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बट अगर वार्डन रहता तो वहाँ पे एक कम से कम एक रेज तो मैं सेव कर ही सकता था, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है यहाँ पे। बट बहुत अच्छा काम किया सारी चीज़ों ने, ट्रूप्स ने बहुत अच्छा काम किया, पेका ने बहुत अच्छा काम किया, किंग ने अच्छा टैंक किया,
बेबी ड्रैगन ने अच्छा काम किया, सब ने बहुत अच्छा काम किया और ये बेस को हमने काफी डैमेज किया। अब देख सकते हैं अभी भी जो पेका है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बचे हुए हैं, चार पांच पेका अभी भी बचे हुए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और काफी डैमेज किया है पेका ने इस बेस को। बट यहाँ पे ईगल आर्टिलरी की लोकेशन ऐसी थी जो मेरे पेका पहुंच नहीं पाई ईगल आर्टिलरी तक और ईगल आर्टिलरी ने कंसिस्टेंटली मेरे पेका को डैमेज दिया है और इसी की वजह से ये जो अटैक था वो 3 स्टार नहीं हो पाएगा। टाइम इशू भी एक था बट फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा जो वैल्यू मिला यहाँ पे। और एक चीज़ देखने लायक थी गाइस कि पेका हायर टाउन हॉल्स में भी कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करें। सो मेक श्योर अगर आप टाउन हॉल 11 12 के प्लेयर हो तो ये सारे अटैक्स आप एक बार ट्राई करके देखो क्योंकि कुछ अलग मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि आप भी वही बोविच और लालो ये कर करके आप भी परेशान हो गए होंगे और आप भी बोर हो चुके होंगे, तो ये सारी स्ट्रेटजी जरूर ट्राई करना चाहिए गाइस। तो होप श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस एंड अटैक्स भी जो है वो भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर क्लैश ऑफ क्लैंस के कंटेंट्स मिलते रहें आपको। मैं मिलूंगा गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहना एंड एज यूजुअल गाइस जय हिंद।